सभापति अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछूंगा कि आपने स्वीकार किया है कि चीनी का उत्पादन हर वर्ष कम होते जा रहा है, इस वर्ष भी आपने लगभग उत्पादन 160 लाख टन की अपनी आशा व्यक्त की है और मांग है 230 लाख टन, 70 लाख टन ऐसे भी यहाँ पे उत्पादन कम होगा। अरे सारी बातें जब हम देख रहे हैं कि चीनी का उत्पादन कम होते जा रहा है प्रतिवर्ष, आपूर्ति कम है और मांग ज्यादा है, इससे मूल्यवृद्धि को हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो सामान्य ऐसा गरीब आप प्रश्न पूछिए। तो आपने जो जवाब में कहा है कि सीमा जो लेवी की सीमा 10 से 20 प्रतिशत की गई है और तो आय शुल्क कम किया गया, इन दो प्रयोगों से क्या हम चीनी का उत्पादन बढ़ा पाएंगे या उसके दाम पे कुछ मूल्य वृद्धि पे रोक लगा पाएंगे ऐसा आपको लगता है? मैं ये उम्मीद करता हूं कि इससे भी ठोस ऐसे उपाय आपने किए जाने चाहिए जो आपने यहां लिखे नहीं है, और भी कोई ठोस उपाय किए होंगे तो आप बताएं उत्पादन बढ़ाने के लिए और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए। एक है कि जहां तक बताया गया ये बात सच है कि 107 लाख टन की प्रोडक्शन होगी, 24 लाख पिछले साल का कैरी ओवर स्टॉक है और अभी तक जो एग्रीमेंट हुए इंपोर्ट करने के लिए बाहर से प्रोसेस करने के लिए रॉ शुगर वो 50 लाख के आसपास है, तो कुल मिलाकर टोटल कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है इसके आसपास हम जरूर पहुंचेंगे। फिर भी आगे के लिए कुछ स्टॉक की जरूरत हमेशा पड़ती है और एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि कम से कम सीजन खत्म होने के बाद अगले 3-4 महीने के लिए जो आवश्यकता देश की होती है इतनी चीनी देश में कहीं ना कहीं भंडारों में रहनी चाहिए, वो कम पड़ने की संभावना है और यह संभावना जो है इसमें कुछ न कुछ दुरुस्ती करने के लिए हमें कई उपाय यहाँ करने पड़े हैं जो उपाय इससे पहले करे, खासतौर पर इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा सहूलती दे दी, रॉ शुगर लाने के लिए ज़्यादा सुविधा यहाँ दे दी, और दूसरी तरफ से मैंने इससे पहले भी सदन में कहा था कि शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री साइक्लिक है, आप 5 साल पकड़ेंगे तो 2 साल हमेशा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, 3 साल प्रोडक्शन कम होता है, जब पानी की कमी होती है तब गन्ने की पिराई कम होती है और इसका असर शुगर प्रोडक्शन पर होता है। जो यहाँ आंकड़े दिए क्वेश्चन आंसर में ये भी ये बात साफ करते हैं कि कुछ साल ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, जरूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन है और कुछ साल आवश्यकता से कम हमारा उत्पादन हुआ है, और इस काम के लिए एक ही करना होगा कि जिन राज्यों में गन्ने का फसल बड़े पैमाने पर रहता है वहाँ कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी वहाँ के किसानों ने लेने की आवश्यकता है, उनको ठीक तरह से बाकी सुविधा राज्य सरकार ने देने की आवश्यकता है, और खासतौर पर गन्ने का क्षेत्र बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने शुगर केन डेवलपमेंट फंड के माध्यम से एक जो स्कीम निकाली है कि जहां खाली 4% इंटरेस्ट पर हम फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं मिलों को कि जो उन्होंने किसानों को देकर अपना क्षेत्र और अपनी उत्पादकता पर हेक्टर यील्ड ये बढ़ाने की कोशिश करनी आवश्यकता है, ये मदद भारत सरकार की तरफ से राज्यों को होती है। राज्य सरकार को पिछले 2-3 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर मदद की गई, मगर जब पानी की कम होती है तो समस्या ज़्यादा पैदा होती है, मगर ये क्षेत्र बढ़ाने के लिए भारत सरकार शुगर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्य सरकार और चीनी मिल को सहायता देने के लिए तैयार है, आगे भी तैयार रहेंगे।